हेलो विद्यार्थियों, केम छो? हूँ छु संदीप सोनी, एडवांस एजुकेशन में आप सौनु हार्दिक स्वागत करू छु। विद्यार्थियों, आजना वीडियो नी अंदर आपणे जोवाना छे कि गाला असाइनमेंट नी अंदर जे एकाउंट नु पेपर नंबर 2 छे एना आपणे एसक्यू एटले के एक वाक्य में जवाब जोवाना छे। तो अगौ विद्यार्थियों, आपणे प्रश्न नंबर 1 ना ए बी अने प्रश्न नंबर 2 नो विभाग ए विषे आपणे वात करी। अने हजी सुधी तमे जो वीडियो ना जोया होय तो नीचे एने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपेली छे, एनी उपर क्लिक करीने तमे जोई शको छो। तो शुरुआत करिए प्रश्नपत्र 2 ना विभाग बी विषे। ओके, अने बीजू खास वात करी दो विद्यार्थियों, तमे आ वखते बोर्डनी एक्जाम आपवानो छो तो दरेके दरेक विद्यार्थीने खास छे कहेवानुं के एकाउंट के स्टेटमां तमने कोईपण प्रकारनी क्वेरी होय, कोई पण चेप्टर्स में तकलीफ पड़ती हो, दाखला ना आवड़ता हो, तो एना कमेंट में मने एनो प्रश्न क्वेरी तमारी मोकली आपो। अने बीजू के तमारे बोर्ड ने रिलेटेड एक्जाम नी तैयारी रिलेटेड कोई पण क्वेरी आती होय तमारे, के एक्जाम्पल तरीके साहेब टाइम खबर नहीं पड़ती, कया टाइमे क्यूँ वाँचवू, सब्जेक्ट में याद नहीं रहत वाँचू छू, टाइम टेबल बनावामां प्रॉब्लम्स थाय छे, કોન્સન્ટ્રેશન નથી રહેતું, વાંચતા વાંચતા બીજી બધા યાદો આવે છે બીજાની કોકની, તો આ બધા કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ થતા હશે, બ્લા 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 આવા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હશે। તો જે પણ તમને પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય નીચે કમેન્ટમાં એ લખીને આપો। ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 1, મૂડીકૃત નફો એટલે શું? તો કહે છે મૂડીકૃત નફો એટલે અપેક્ષિત વળતરના દરના આધારે સરેરાશ નફાની મૂડીકૃત કિંમત। ओके, એટલે જે સરેરાશ નફો છે એને આપણે અપેક્ષિત વળતરના દરના આધારે ભાગવાનો એટલે મૂડીકૃત કરવાનો। ઓકે, ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર નેક્સ્ટ કે પુનઃમૂલ્યાંકન બાદના પાકા સર્વેમાં મિલકતો અને દેવા કઈ કિંમતે દર્શાવવામાં આવે છે? અને આ વિદ્યાર્થીઓ આ બહુ મજા આવેલો ક્વેશ્ચન છે કે એ કિંમતે કઈ કિંમતે બજાર કિંમતે દર્શાવવામાં આવે છે। હવે કેમ મજા આવ્યો? કારણ કે આ જ પેપરની અંદર एमसीक्यू में आज प्रकार प्रश्न पूछो, आंसर बजार किमत आए। हाँ, जी लो ते एमसीक्यू लिंक नीचे मुकेली है, ते जी लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि निवृत्ति के मृत्यु वक्त भागीदार ने तेना भागनी पागड़ी कोना द्वारा आपवामां आवती होय छे? तो जो बाकी वधे ए भागीदारों द्वारा। हाँ, तो शू छे जो आंसर कि भागीदार निवृत्त के मृत्यु थाय तो एनो जे भाग छे नफो ए कोण लई जाय? तो के बाकी रहता भागीदारो। एक्जाम्पल तरीके ए बी सी छे, सी निवृत्त थाय तो एनो भाग कोण लई जाय? ए अने बी। तो एना बदला में ए अने बी बाकीना भागीदारो भागीदार सी ने एटले निवृत्त थता भागीदार ने पागड़ी आपशे। ओके, चलो एना पछीनो नेक्स्ट क्वेश्चन भागीदारीनु पुनर्गठन एटले शू? अहींया तमारे एनी व्याख्या लखवानी छे कि कोईपण कारणसर भागीदारी में थता फेरफार ने भागीदारी पुनर्गठन कहवाय, एना कारणों अलग अलग होई शके छे। ओके, चलो एना पछीनो नेक्स्ट क्वेश्चन छे कि भागीदारी पेढ़ीना विसर्जन नी रीतो जणावो। विसर्जन माटेनी केटली रीतो छे? तो विसर्जन नी बे रीतो छे, एक छे सामान्य विसर्जन जेने आपणे कहीए छे अदालतना हस्तक्षेप सिवाय विसर्जन, अने बीजू छे अदालत द्वारा विसर्जन। ओके, आ बे पद्धतिओ छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के कई कंपनीओए डिबेन्चर परत अनामत ऊभू करवू जरूरी नथी? हवे आ प्रश्न बहु अलग प्रकारनो प्रश्न छे, तमे आ चेप्टरमां जोवा जाओ तो घणुं बधुं अघरू फिंदवू पड़े तमारे। केम? कारण के आ प्रश्ननो जवाब छे ने जवाबथी कोई प्रॉब्लम नथी, आ एनो जवाब छे, पण अहींया जे चोपड़ीमां आ जे वस्तु आपेली छे ने डिबेन्चर परत अनामत कोण ऊभू करी शके नहीं, एना नीचे एक मस्त नोंध लखेली छे चोपड़ीनी अंदर कि आ प्रश्न परीक्षामां अपेक्षित नथी आवुं। अने अहींया आ गालावाळाए पूछ्युं छे, बोलो केवुं कहेवाय? जोरदार। हवे तमारे विचारवानुं कोण कोण छे शुं छे, बराबर? हुं कोईने सारा के खराब कहेतो नथी, ए तमारे विचारवानुं छे। ओके, पण हुं एटलुं कहीश के बोर्डनी एक्जाममां आ प्रश्न तो नहीं ज आवे। ओके, चलो हाँ जवाब जोई लेजो, कदाच आवे तो लखी राखजो तमारा माटे। चलो एना पछीनो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सद्धरताना गुणोत्तरो जणावो। तो सद्धरताना अलग 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 चार गुणोत्तरो छे, जेम के देवा इक्विटी गुणोत्तर,
कुल मिलकतो देवा गुणोत्तर, मालिकी गुणोत्तर अने व्याज आवरण गुणोत्तर। ओके, आ चार गुणोत्तरों समावेश थाय छे। एना पछीनो नेक्स्ट क्वेश्चन छे कि व्यापारी लेणानी गणतरी वखते देवादारोमांथी गालखाद अनामत बाद थाय, प्रश्न पूछे छे तमने शुं बाद करशो तमे, तो एनो आंसर आवशे ना, ना थाय, के अनामत बाद थाय नहीं, गालखाद अनामत ना बाद थाय, आ ध्यान राखजो। ओके चलो, एना पछी कामगीरी प्रवृत्तिओ एटले शुं एनी तमारे अहींया व्याख्या आपवानी छे। शुं थाय तो के कामगीरी प्रवृत्तिओ एटले धंधानी उपजना सर्जननी मुख्य प्रवृत्ति, के धंधानी जे उपज माटेनी जे आपणे मुख्य मेन प्रवृत्ति करता होय ने એ કામગીરી પ્રવૃત્તિ, કે જે રોકાણ અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિ નથી, બરાબર, એટલે આખું લખવું પડે તો જ પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળે। ઓકે ચલો, નેક્સ્ટ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે દેવાદારો પાસેથી નાણાં મળે આપણને તો એ કઈ પ્રવૃત્તિ છે અને શા માટે, તો એ પ્રવૃત્તિ છે તમારી કામગીરીની પ્રવૃત્તિ। યાદ રાખજો કે આપણને કોઈ દેવાદારો પાસેથી, એટલે કે જે વ્યક્તિ પાસેથી નાણાં લેવાના છે એ મળે છે, તો એ કઈ પ્રવૃત્તિ કહેવાય? કામગીરીની પ્રવૃત્તિ। તો કેમ કામગીરીની પ્રવૃત્તિ જ કહેવાય છે? તો કારણ કે દેવાદારો એ વેચાણમાંથી ઉદ્ભવે ને, આપણે એ દેવાદાર પાસેથી લેવાનું ક્યારે થાય? કે જ્યારે આપણે એને ભૂતકાળમાં વેચાણ કર્યું હોય ત્યારે। તો વેચાણ એ કઈ પ્રવૃત્તિ છે? આપણી મુખ્ય પ્રવૃત્તિ છે ને, એટલે એ કામગીરીની પ્રવૃત્તિ છે ભાઈ। ઓકે તો વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાન રાખજો, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દો, તમારા ફ્રેન્ડ્સને શેર કરી દો, અને જે પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય નીચે કમેન્ટમાં લખી આપજો, અને આવા જ વિડીયો સાથે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું। તો આજના વિડીયો માટે થેન્ક યુ અને બાય।